नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया के पांच सबसे बड़े चौंकाने वाले गड्ढों के बारे में, जिन्हें देखकर आपको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा। इनमें से कई गड्ढे काफी खतरनाक है तो कई गड्ढे रहस्य से भरे हुए हैं, फिर भी लोग जान को दांव पर लगाकर इन्हें देखने आते हैं। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सारी सारी नामा, यह वेनेजुएला का सबसे रहस्यमय गड्ढा है जो कि जंगल के बीच में बना हुआ है। इस शानदार गड्ढे के अंदर अपना अलग ही एक वातावरण है जिसे आप दुनिया में और कहीं नहीं ढूंढ सकते। इसके अंदर आपको जंगल, झरने और खतरनाक जानवर भी देखने को मिल जाएंगे। वैसे लोग यहाँ पर जाना नहीं चाहते क्योंकि उनका कहना है कि इसके आसपास के पहाड़ों पर इंसानों को जिंदा खाने वाले लोग रहते हैं और इसके नज़दीक वाली रोड 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर है। दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या जंगलों में अभी भी आदिवासी मौजूद है जो लोगों को जिंदा खा जाते हैं? कमेंट में जरूर डिन्स ब्लू होल। वैसे तो इस जगह पर बहुत सारे रहस्यमय गड्ढे हैं, लेकिन इनमें से यह गड्ढा काफी रहस्यमय, गहरा और बड़ा है। यह गड्ढा बामास के एक आयरलैंड पर स्थित है। इसके बारे में रिसर्च करने के बाद यह पता चला कि यह गड्ढा यहाँ पर 15,000 साल से मौजूद है। डाइवर्स का कहना है कि जब वो इसके अंदर जाते हैं तो 29 मीटर तक कुछ साफ साफ दिखाई देता है, जिसकी वजह उसका साफ पानी हो सकता है। आपको हमेशा यहाँ पर लोग मस्ती करते हुए दिख जाएंगे जो ऊंचाई से इसके अंदर कूदने से भी नहीं डरते। गुएतमाला सिटी। साल 2007 में लोगों को कुछ अजीब आवाजें सुनाई देने लगी, लेकिन उन्हें यह पता नहीं चल पा रहा था कि यह आवाज आ कहाँ से रही है। जब कुछ दिन बाद सिटी में एक बड़ा सा गड्ढा निकल गया तब लोग समझ पाए कि यह आवाज यहाँ से आ रही थी। इतने बड़े गड्ढे के अचानक से निकल जाने के कारण 2 लोगों की उसमें गिरने से मौत भी हो गई थी और वहाँ हजारों लोगों के घर खाली करवा दिए गए थे क्योंकि उन्हें डर था कि यह गड्ढा और ज्यादा न फैल जाए। अब तक लोगों को पता नहीं चल पाया कि यह गड्ढा बना कैसे। वही कुछ लोगों का मानना था कि इस गड्ढे से शैतान बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। डोर टू हेल। जब इस जगह को पास ही रहने वाले गांव के लोगों ने खोजा तब इसमें आग नहीं लगी हुई थी, लेकिन वैज्ञानिकों ने यहाँ पर मिथुन गैस को खत्म करने के लिए इसमें आग लगा दी और फिर यह आग कभी बुझ ही नहीं पाई। इसके बाद यहाँ पर हर साल 50,000 से ज्यादा लोग इसे देखने आते हैं और उन्हीं लोगों ने इसे नरक का दरवाजा नाम दे दिया।